हेलो ऑल, शेफ दीपाली हियर एंड वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियोज़ चैनल। सो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग ऐसी रेसिपी जो कि है केक पॉप्सिकल्स। तो ये केक पॉप्सिकल्स थीम के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो इसमें डेकोरेशन करना एक फ़न पार्ट हो गया है। बट येस, ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे यूनिक यूनिक टाइप के आप थीम्स इसमें डेकोरेट कर सकते हो। सो बेसिक डेकोरेशन के साथ मैं आज की केक पॉप्सिकल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हमने, एंड ये जो मोल्ड यूज़ किया है हमने, ये सिलिकॉन मोल्ड है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, एंड इसमें डिज़ाइंस भी होते हैं बहुत सारे। कलर लिया है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे मेन केक लिया है जो कि क्रम्बल केक है, एंड चॉकलेट लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक लिया है। उस चॉकलेट केक के अंदर मैं ऐड करूँगी मेल्टेड मिल्क चॉकलेट, एंड अगर आपको डार्क चॉकलेट यूज़ करना है यू कैन यूज़ डार्क चॉकलेट ऑल्सो। कंपाउंड यूज़ करना है कंपाउंड यूज़ करो, कवचर यूज़ करना है कवचर, एंड अगर आपको वाइट चॉकलेट यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड अगेन केक की बात करें तो केक यहाँ पे मैंने चॉकलेट वाला लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एनी वेनिला केक स्पॉन्ज, यहाँ पे चॉकलेट केक स्पॉन्ज लिया है। एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एंड अगर आपको गनाश यूज़ करना है तो इसके अंदर आप गनाश भी यूज़ कर सकते हो, बट चॉकलेट मुझे स्पेशली पसंद आता है इसमें, ज़्यादा चॉकलेटी, सो इसलिए मैंने सिर्फ चॉकलेट यूज़ किया है। ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने लिया है मेल्टेड वाइट चॉकलेट। मैं दो टेक्निक से आज केक पॉप्सिकल्स दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहली टेक्निक है कि हम जो मोल्ड है उस मोल्ड में हम पहले कैविटी बना के लेंगे वाइट चॉकलेट की, बिकॉज उसका जो थिकनेस रहेगा वो आपके फिनिशिंग के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। सो दो कैविटीज़ मैं वाइट चॉकलेट के साथ पहले बना के ले रही हूँ, और दो में हम वाइट चॉकलेट नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने चॉकलेट डाला है बहुत ही कम, एंड स्पून से बैक साइड से मैं पूरा चॉकलेट स्प्रेड करके ले रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक भी साइड छूटनी नहीं चाहिए। इस कैविटी के अंदर हमें बाद में हमारा जो केक का मिक्सचर है वो ऐड करना है, इसलिए हमें साइड्स अच्छे से चॉकलेट से फिल करके लेनी है। हर एक साइड में चॉकलेट लगना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इस मोल्ड को रोटेट करेंगे ताकि पूरे साइड्स में चॉकलेट इवन स्प्रेड हो जाए लाइक दिस, एंड उसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रिज में फॉर 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, एंड उसके बाद फिर हम इसे निकाल के उसके अंदर फिलिंग फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मोल्ड रेडी है, एंड फ्रिज में 10 मिनट्स रखा था, बट कहीं कहीं पे साइड्स में ना थोड़ी थिन चॉकलेट लगी है, तो यहाँ पे मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, और मोल्ड ठंडा होने की वजह से वो चॉकलेट स्टिक हो जाती है, मीन्स फास्ट फ्रीज हो जाती है। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है, चॉकलेट कम है उस जगह पे, वहाँ पे हम चॉकलेट ऐड करके लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जब भी अनमोल्ड करोगे तभी वो ब्रेक हो सकता है चॉकलेट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कैविटी है वो थोड़ी अच्छे से थिक होनी चाहिए। सो चॉकलेट जो भी साइड्स में लगाना था वो लगा के हो गया है, एंड अभी हम ये केक का जो मिक्सचर रेडी किया है वो हम फिल करेंगे हमारे मोल्ड में, एंड आपको अच्छे से स्प्रेड करके लेना है, उसके अंदर फिल करना है, इवन फिल करना है, एंड इसे जो फिल करना है वो पूरा टॉप तक फिल नहीं करना है, सिर्फ 3/4 फिल करना है, बिकॉज हमें ऊपर से अगेन चॉकलेट डाल के इस कैविटी को क्लोज करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट मोल्ड फिल किया है उसी तरीके से हम सेकेंड वाला जो कैविटी है वो भी फिल करके लेंगे। एंड अगर आपको केक के मिक्सचर में अगर फ्लेवरिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। चॉकलेट में अगर आपको कैविटी में यूज़ किया है वाइट, वो अगर प्लेन वाइट नहीं चाहिए, इफ़ यू वांट एनी फ्लेवर यू कैन ऐड एसेंस आल्सो। सो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सेकंड टेक्निक भी दिखा रही हूँ, तो सेकंड टेक्निक में हमने कैविटी नहीं बनाई है चॉकलेट की, हम डायरेक्टली मोल्ड में केक मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं और इवन प्रेस करके ले रहे हैं। तो इससे हमें फ्रिज में सेट करने के लिए रखना है, एंड उसके बाद हम इसे अनमोल्ड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने मोल्ड को फिल करके लिया है विद द केक मिक्सचर, एंड अभी जो कैविटी वाले मोल्ड थे ना उसको हम क्लोज करके लेंगे विद चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ ऊपर के साइड, जो कि मैंने 3/4 फिल किया था केक को। सो उस दर हम चॉकलेट ऐड करके उसको इवन स्प्रेड करके लेंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी चॉकलेट ऐड करनी है, अदरवाइज़ वो पूरा बाहर आ जाएगा और फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही थोड़ा थोड़ा करके आपको चॉकलेट ऐड करके उसे अच्छे से स्प्रेड करके लेना है। एंड अगर चॉकलेट बाहर आ रहा है तो उसे फिंगर से आप क्लीन करके ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे अभी हम यूज़ कर रहे हैं आइसक्रीम स्टिक या फिर उड़न स्टिक बोल सकते हो, जो कि पूरे केक पॉप्सिकल्स को हमारे होल्ड करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अंदर तक प्रेस करना है एंड उसका 3/4 पोर्शन आपको बाहर रखना है। ओके, एंड उसके बाद हम फिल करेंगे हमारी सेकेंड चॉकलेट की कैविटी को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम चॉकलेट पोर करेंगे एंड एक्सेस नहीं होने देना है। एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो फिंगर्स से रिमूव करना है। फिनिशिंग अगर इसकी ख़राब होगी तो आपको डेकोरेशन में मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी एक्सेस चॉकलेट है वो फिंगर से रिमूव करो, टिश्यू से क्लीन करो। एंड अगेन हम यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रहे हैं एंड जो हमारे केक वाले दो साइड्स के कैविटी है उसमें भी हम आइसक्रीम स्टिक यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे। सो अभी हम इसे रखेंगे 1 आवर फ्रिज में एंड आफ्टर 1 आवर इसे अनमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉकलेट वाला जो कोट किया हुआ केक स्लाइसर है वो निकालेंगे, अनमोल्ड करेंगे। बहुत ही इजीली वो निकल जाता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन मोल्ड परफेक्ट फिनिशिंग और परफेक्ट शाइन आता है। एंड इस तरीके से हम जो केक वाला मिक्सचर था उसको भी अनमोल्ड करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिपिंग मेथड। तो एक तो आप डिपिंग के साथ भी केक स्लाइसेस बना सकते हो या फिर आप जैसे कि कैविटी बनाई थी उस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो इसे हम डिप करेंगे इन अ मेल्टेड चॉकलेट, बट इसके लिए आपको टॉल ग्लास या फिर टॉल कप लेना है जिसमें मेल्टेड चॉकलेट को ऐड करना है एंड उसी के अंदर आपको इसे डिप करना है। अदरवाइज स्मॉल साइज़ का लोगे तो वो डिपिंग मेथड थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए आपको टॉल ग्लास या फिर कप लेना है एंड इस तरीके से आपको इसे डिप करके लेना है। तो ये मैंने डिप करके लिया है, जो भी एक्सेस चॉकलेट है उसे रिमूव करेंगे, नीचे से थोड़ा सा स्क्रैप करके लेंगे एंड जो बटर पेपर रखा है मैंने उसके ऊपर रख देंगे। अगर दोनों में डिफरेंसेस आपको दिख रहा है तो जो हमारा कैविटी वाला था वो परफेक्ट थिक चॉकलेट की वजह से उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो हमने डिप करके लिया है उसमें आपको केक की ट्रांसपेरेंसी दिख के आ रही है। तो अगर आपको यहाँ पे डिपिंग ही ऑप्शन यूज़ करना है तो 2 बार आपको डिप करना है, अदरवाइज सिंगल डिप करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर मैंने सिंगल डिप किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे केक पॉप्सिकल्स रेडी है फॉर द डेकोरेशन एंड यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में लिया है पिंक कलर का चॉकलेट, मीन्स मेल्टेड वाइट चॉकलेट में मैंने थोड़ा पिंक कलर डाला था और मैं ड्रिजल करके ले रही हूँ ऑन पॉप्सिकल्स। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ये बेसिक डिज़ाइन है एंड इसके ऊपर हम सम स्प्रिंकलर्स ऐड करेंगे, ये भी आप आपके चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे बेसिक डेकोरेशन फॉर पॉप्सिकल्स। मैं एडवांस टाइप के भी डेकोरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। सो डेकोरेशन के बाद हम इसे रखेंगे फ्रिज में फॉर 10 to 15 मिनट्स ताकि वो डेकोरेशन जो है वो सेट हो जाए एंड उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आपकी जो भी बर्थडे की डेकोरेशंस है या फिर बर्थडे की थीम है उसके अकॉर्डिंग आपके केक्स पॉप्सिकल्स बना सकते हो। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंस्टा और फेसबुक पर अगर मुझे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।